सत्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट और सैनिटाइजर घोटाले के निष्पक्ष जांच के लिए सदर उपमंडल अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र शर्मा ने कहा कि सदर कांग्रेस ने पीपीई किट और सैनिटाइजर घोटाले के निष्पक्ष जांच के लिए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा इस वैश्विक महामारी के चलते जो इस्तीफा दिया गया है वह इस्तीफा मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने कहा कि 50 के सैनिटाइजर पर 150 रुपए मूल्य क्यों प्रिंट करवाया गया है, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले की जांच न्यायालय के न्यायाधीश से करवाने की मांग करती है। हमने सभी साथियों ने मिलकर के मंडी एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में जो ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, इस घोटाले के लिए हम चाहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष ना इस्तीफा दें। पार्टी इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही स्वास्थ्य विभाग है, मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है। अगर इसमें निष्पक्ष जांच करानी है तो स्वयं मुख्यमंत्री इसका इस्तीफा दें और फिर किसी भी हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जो है इंक्वायरी की जाए, जिसमें दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। हम नहीं चाहते हैं कि इस समय जो लोगों ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के केयर फंड में जो दान दिया, उस दान का दुरुपयोग हो, क्योंकि इसके ऊपर जो लोगों ने दान दिया है उसमें ना कोई ऑडिट है, ना कोई उसके बारे में पूछ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का पटाक्षेप जो है एक सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। लोगों में पारदर्शिता जरूरी है, लोग जो है इस पारदर्शिता को चाहते हैं।